हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड यू आर वाचिंग दिस चैनल एकता श्री क्लास ऑफ डिजाइनिंग। सो फ्रेंड्स, एक स्क्वायली पैटर्न को कैसे बनाते और डेवलप करते हैं, उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ। और मैं आपको 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स के थ्रू ही ये चीज़ें बता रही हूँ। और इसके 28 वीडियोस मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसमें पूरी कोई भी फाइल 1 by 1 जैसे क्रिएट की गई है, पूरी फाइल का मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, आप उसको देख सकते हैं। और अब मैं 1 by 1 एक करके डिजाइन को कैसे डेवलप करते हैं इसके बारे में बता रही हूँ। तो हम बात कर रहे हैं स्क्वायली पैटर्न के बारे में। फ्रेंड्स, तो ये देख रहे हैं इसका सेकेंड टाइप जो है, लाइंस का सेकेंड टाइप है कर्व लाइंस का। तो कर्व लाइन में आप देख सकते हैं ये वेवी है, हाफ सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, फुल सर्कुलर, स्पाइरल डॉट्स। तो जब हम कर्वी लाइंस का यूज करके कोई भी डिजाइन डेवलप करेंगे तो वो डिजाइन बनती है स्क्वायली पैटर्न। तो आज के वीडियो में स्क्वायली पैटर्न को देख के समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं स्क्वायली पैटर्न की डिजाइन। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें मैंने क्या क्या इस पैटर्न में यूज किया है इसके एलिमेंट्स को। तो इसमें सबसे पहले मैंने सर्कल यूज किया है, डबल करके ये फ्रेंड्स देखिए। और इसके बीच में मैंने सेमी सर्कल्स का यूज किया है। फिर इसमें मैंने इसका जो मेन डिजाइन दिया है, ये डिजाइन जो मैंने ये शो किया है, तो इसमें भी मैंने सर्कल्स और वेव्स को यूज करके ही, ये देखिए ये जो ये है स्पाइरल, इनको यूज करके ही मैंने ये डिजाइन फिल किया है और आगे डेवलप किया है। इसको मैंने डॉट से फिल किया है फ्रेंड्स, और इसको इस हाफ सर्कल से इस डिजाइन को डेवलप किया है, और स्पाइरल से इसको पूरा किया है। उसके बाद इसके कोनों पे मैंने ये फुल सर्कल्स का यूज किया है, और स्पाइरल्स वेव्स का यूज करके इस डिजाइन को मैंने डेवलप किया है। तो इस स्क्वायली पैटर्न को मैंने इतना ही बनाया है फ्रेंड्स। इसमें चाहें तो हम इसको और भी डेवलप कर सकते हैं। तो आप किसी भी डिजाइन को कैसे शो कर सकते हैं और कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो अभी मैंने स्क्वायली पैटर्न में इतना ही बताया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।